एक्टिविटीज के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेंगे, ये एक्टिविटीज अलग हैं। क्लास में टीचर को एक्टिविटी अलग करवानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी वर्कशीट पर आया वेजिटेबल, ठीक है, आपकी वर्कशीट पे आ गया वेजिटेबल, सब्जियां आ गई। अब आपको बच्चों को वर्कशीट के थ्रू उनको बताना है, तो आप कैसे बताओगे? सिर्फ ऐसे कि वेजिटेबल्स, कैरेट, ये वो, ऐसे नहीं बताओगे ना। कुछ बच्चों को बुलाओ आगे, कुछ क्रिएटिव अगर सब्जी नहीं है, कुछ हमारा सामान नहीं है, उसको छोड़ो। बच्चों को बोल भी सकते हैं ना कि ब्रिंग वन वन वेजिटेबल फ्रॉम, यस यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बोल सकते हैं हम, वन वन कुछ भी लेके आ जाओ, नेक्स्ट डे हम वेजिटेबल्स करेंगे। और आपको पता होना चाहिए वेजिटेबल्स कैसी होती है, हम आपको दिखाएंगे सब। और कैरेट का ग्लेस पेपर, जो ऑरेंज ग्लेस पेपर है, उसको फाड़ के सबको दे दो, टियर एंड पेस्ट। उन्हें कैरेट ड्रॉप कर दो उनकी बगल में। टियर एंड पेस्ट से तो उन्होंने बोला कि मोनोस्किल भी डेवलप होती है, सब कुछ बोला था उन्होंने। ऐसे करते हैं, इवन उन्होंने ये भी बोला कि जब आप लोग फ्रूट डे रखो, फ्रूट डे में बनाना लेके आएंगे बच्चे, ऑरेंज लेके आएंगे सीजन, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग। फिर हर बच्चा जब एप्पल या ऑरेंज लेके आएगा, उनको पी करना सिखाओ, उसको बोलना है। इवन सम टाइम क्या करते हैं, एलकेजी नर्सरी के बच्चे बनाना लेते हैं, उसको पूरा छील के कर देते हैं और फिर वो खाते हैं। तो वो देखने वाले को क्या लगता है कि बच्चे को सिखाया नहीं गया है, ऐसे लगता है ना। मगर हमें ऐसा नहीं, हमें उनको सिखाना है। लाइक ऑरेंज ऑल्सो बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे मैंने खुद देखे हैं ऑरेंज उठाते हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि उसको हमने छीलना है पहले और फिर हमें खाना है। तो कभी भी रख दो, फ्रूट डे रखो, वेजिटेबल डे रखो, जैसे मर्जी। मतलब अगर आपका देखो एक सेक्शन में एक चीज हो रही है, नेक्स्ट 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 इक्वल होगा, तो वो एक्टिविटी वो प्री प्लान होना चाहिए कि हमने ये पेज या ये एक्टिविटी कैसे करवानी है। और प्लीज टीचर्स, जब भी हम वर्कशीट करवाएंगे, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कुछ भी है, फर्स्ट पेज पे। ये नहीं कि पहले 40 पेज पे गए, देन आए फर्स्ट पे, पहले 30 पे चले गए, देन आ रहे हैं हम सेकंड पे, सीक्वेंस वाइज। समटाइम क्या होता है, इस ऐसे हम करते जरूर हैं, मगर वो पेजेस छूट जाते हैं। जो थीम बेस्ड एक्टिविटीज हैं, वो हमारा जो क्लास में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो टीचर ने करवाना है, दैट इज वो भी। और अगर आपका पेज में भी आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम बने हुए हैं उस चीज के। बट थीम यदि थीम बेस्ड है, तो फिर हमें पीछा लगाना पड़ेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पेज तो क्या है ना, देखो वेजिटेबल है, अगर वेजिटेबल डे अगर आप लोग वीक में एक बार कुछ ऐसा डे सेलिब्रेट करोगे या ऐसा कुछ सिखाना चाहते हो, तो एक दिन प्लान करो। जरूरी थोड़ी कि हमें ये वेट करना है कि सितंबर में वेजिटेबल का वो आएगा तो ही हमने करवाना है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट आपका थीम जो चल रहा है, आप या तो वो थीम को भी फिर प्लान करो उसे, जैसे बुक में। नहीं, वो तो अभी सिलेबस आया था, सिलेबस तो हमारा जो भी था, हमने एक्टिविटीज जो प्लान की है, वो तो आउटसाइड वाली है, वो अदर एक्टिविटीज हैं। हाँ, नहीं नॉट दैट। और रही बात बुक वाली एक्टिविटीज की, बात कर रही थी कि आप यदि आपने ऐसा करवाना है कि फर्स्ट पेज से शुरू करा है, तो वापस से आप रीशेड्यूल। अभी देखो मैम, को तो प्रॉब्लम आएगी ही, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी बुक्स आई नहीं है, और बुक्स आने में टाइम लग सकता है। मगर ये भी नहीं है कि हम बुक्स का वेट करते रहे, हम कुछ करवाए ना बच्चों को। मगर जब वर्कशीट आएगी, तब आप फर्स्ट पेज से स्टार्टिंग है, फर्स्ट पेज। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वर्कबुक्स में आपको फर्स्ट पेज फर्स्ट पेज से, ताकि अभी देखो अभी अ से अ तक हमने सिखा दिया होगा बच्चों को, आपने करवा दिया होगा, कंप्लीट करा दिया है, ऑलमोस्ट हो गया है। मगर जब अ से अ आएगा, मतलब अ से अ करवाना है, तो बच्चों को अ से अनार, आ से आम, ये करवाना है। वो तो वर्कबुक में आप कराएंगे ना, तो नोटबुक पे तो हमने करवा चुके हैं ना, रिपीट होगा बन गई और वर्कशीट। अच्छा, वर्कशीट कॉपी में तो करा दी, कॉपी में वो इन द रिवीजन टेबल में।
बताना है बच्चों को, तो वो एक प्ले वे मेथड ही हो जाता है।